ऑफर किया गया तो दो रोल थे, एक छोटा रोल था उसका पुलिस वाले का, एक पंडित का रोल था जो कि बहुत पावरफुल आदमी है, बड़े बड़े नेताओं उसके अंडर में रहते हैं और विलेनिस टाइप का करेक्टर है। तो मैं सोच रहा था मैं मेन विलन हूँ शायद इस फिल्म में, लेकिन बाद में मुझे पता लगा इसमें हीरो का ही पता नहीं चल रहा है कौन है फिल्म के अंदर, विलन कौन है हीरो कौन है कुछ मालूम नहीं है, वो पब्लिक लास्ट में डिसाइड करेगी जब पूरी फिल्म देखेगी। एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। जैसे नॉर्मली जो NCR की जो फिल्म्स होती हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती, देखो फाइनेंसिस तो शॉर्टेज रहती ही है उनके पास, लेकिन मालूमात भी नहीं होती। एक जगह होता है कि फाइनेंसिस थोड़ा कम है लेकिन लोग इंटेलिजेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो डायरेक्टर है जो देव यादव जी, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब पढ़ा लिखा आदमी इस लाइन में आता है, क्योंकि हमने अपनी माँ से चप्पलें खाई हुई हैं कि क्यों जा रहा है इस लाइन में। और जब अब एजुकेटेड लोग भी आने लग गए हैं, पहले लोग सिर्फ माएँ चाहती थी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सिनेरियो बदल गया है। आजकल माएँ छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर घूम रही हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है उसको फिल्म में करा दो, तो एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। और इस फिल्म में मुझे बहुत काम करने का मज़ा आया, क्योंकि एक्टर को क्या चाहिए, उसको एक रोल ऐसा मिले जो कम से कम नज़र आए पिक्चर में कि एक अच्छा किरदार, कोई पब्लिक देखे तो बोले कि भाई बढ़िया चीज़ इसने की है, और यही एक उम्मीद हर एक्टर को होती है जो कि मुझे करने को मिली है, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी विद। मेरा डीपी सिंह और देव यादव, हाँ एक्चुअली एक सोशल जो हमारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बाहुबली होते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियन, सिस्टम हमारा, उसके लोग आम आदमी को किस तरह से परेशान करते हैं और वो किस तरह से परेशान हो जाता है उसी पर आधारित है, और आम आदमी अपनी परेशानियों से कैसे जूझता है और उनको किस तरह से शॉर्ट आउट करता है, इस कहानी का पूरा मैं एक्चुअली टोटली पीतल व्यवसाय से नहीं जुड़ी हुई है। उसमें शो किया गया है कि जैसे पीतल व्यवसाय है, मुरादाबाद शहर को टारगेट किया गया है कि वहाँ के लोग किस टाइप के होते हैं और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं। हाँ ऐसे लोग जो बहुत सीधे सादे आम इंसान होते हैं, जब उनको हद से ज़्यादा कोई परेशान कर देता है तो वो किस तरीके से बेलगाम हो जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे बढ़ाया है। काफ़ी क्या क्या किया है सर, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा उसका क्लाइमैक्स किस तरीके से हमने चेंज किया है और क्या हमें बेलगाम होना चाहिए या फिर और कोई रास्ते हैं, ये फिल्म से हम बता पाएंगे। एक लाइन में स्टोरी है कि एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको हमारे पॉलिटिशियन, हमारा सिस्टम किस तरीके से नेस्तनाबूद करता है और वो एक आदमी किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं आपका प्रियम गुजर। जी हाँ, मैं एज ए गेस्ट पहुँचा हूँ। सबसे पहली बात, मुझे बहुत खुशी है कि देव सर ने मुझे इनवाइट किया, वो इनविटेशन पे यहाँ आया। आज फर्स्ट प्रोमो लॉन्चिंग है बेलगा मूवी की, सो बहुत खुशी है कि हमारी जो मेहनत थी वो आज इस नतीजे पर पहुंची है कि हम रिलीजिंग के आसपास हैं। मतलब आज हमने लीक कर दिया कि हमारी ये मूवी आ रही है जिसका नाम है बेलगा, तो बहुत खुशी है। जितने लोगों ने मेहनत की है, को एक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, DOP, राइटर, सब ने, तो उनकी मेहनत वसूल होने वाली है बहुत जल्द। और जो मूवी का कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा है, जब मैंने पहली बार सुना और तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छी मूवी है, तो हो सकता था मैं पार्ट भी हो सकता था इस मूवी का, बट मैं तब मेरा सीरियल चल रहा था तो मैं नहीं हो पाया, बट मैं इसे अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शायद इस मूवी का पार्ट होता तो मेरे लिए बहुत ही बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बात होती कि मैं होना चाहिए था, बट कोई नहीं, इट्स ओके। ये सच्ची कहानी है। कहना ये है कि आजकल ये बहुत नॉर्मल है कि केसेस होते रहते हैं, सिस्टम बहुत बिगड़ता है, सुधरता है, तो उसी के बेस पे एक मैसेज है ये पब्लिक को कि ऐसा भी होता है रियल लाइफ में, तो इसके क्या सुधार क्या आ सकता है, क्या हम मतलब एक मैसेज के थ्रू पब्लिक को देना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर ये हो रहा है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, हम इस तरीके से इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। चचा ये यूपी है, यूपी है, यहाँ कोई हल्का ना मुत्ता है। और बता, जो फेवरेट डायलॉग है इसका, मैं जो देव सर ने बड़े स्टाइल में बोला है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा देव सर, थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पीतल से क्या डराता है पंडित,
मेरा तो शहर ही पीतल है। आई लाइक दैट, मतलब अमेजिंग यार। मतलब जो इसकी जान है ये जो डायलॉग है, यूपी और फिर मुरादाबाद शहर पीतल नगरी है, तो जो डायलॉग जो हमारे अजय छाबड़िया जी हैं जिन लोगों ने राइटिंग की है, राइटर है, तो जो लिखा है जिस तरीके से, तो बहुत ही सुपर्ब है। आई लव्ड इट। मेरा नाम पायल कुंवर है। लगाम में मेरा जो किरदार है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, और मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं करप्ट लोगों को पकड़ती हूँ, सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, कहाँ से कहाँ भागना है, कहाँ सही करना है, इन सब ये सब करने की कोशिश करती हूँ। बिजली होती है, सच्ची कहानियाँ होती है, जब ही दुनिया में इतना करप्ट लोग जो है उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और बिजली है। इस मूवी में काम करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सीखने को भी मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट बनने मिलने को मिला, और सीखने को भी बहुत कुछ मिला, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतना कुछ मिला।